हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनीज़ गार्डन। सनीज़ गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, आज हम उगाएंगे मिर्च के प्लांट और वो भी बिना बीज के। आप ये सोच रहे हैं कि बिना बीज के कैसे उगेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हो आपको इसके लिए बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप घर में ही मिर्च की सीडलिंग तैयार करके और बहुत आसानी से इनको अपने किचन गार्डन में घर में रखी हुई लाल मिर्ची या हरी मिर्ची से हम बहुत आसानी से मिर्ची के प्लांट उगा सकते हैं और फिर उससे अपने किचन गार्डन में लगा कर उसे बम्पर हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो लाल मिर्च या फिर दो हरी मिर्च। तो मिर्ची के सीडलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक छोटा सा प्लास्टिक का पोट, बहुत बड़े पोट की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई प्लास्टिक का डब्बा जिसके नीचे ड्रेनेज होल करके उसके अंदर भी आप सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लेंगे पोटिंग मिक्स। पोटिंग मिक्स जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती, तो सिंपल रेत या जो सैंड आपके आसपास कहीं भी हो उसको आप ले सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हो। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये है फंगीसाइड। एंटी फंगल पाउडर कोई भी आप ले सकते हो, मैंने साफ का लिया है, इसको इसके अंदर मिक्स कर दीजिए क्योंकि रेनी सीज़न अभी आ रहा है तो उसके अंदर इसमें फंगस लगने की संभावना ज़्यादा होती है। मिट्टी के अंदर नेचुरल रूप से फंगस आ जाती है जो हमारी सीडलिंग को ख़राब कर देती है। तो इसको ऊपर के लेयर में लगभग 3 से 4 इंची तक का इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, बहुत गहराई में मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीडलिंग की रूट बहुत छोटी होती है और ऊपर ऊपर के एरिया में ही वो रहती है। तो इसको भरने के बाद ऊपर से इसको लेवल कर लीजिए। इसके बाद हमें चाहिए दोस्तों 2-3 लाल मिर्च, जो खड़ी साबुत मिर्च आपके किचन में होती है, या फिर खड़ी मिर्च नहीं है तो आप ये ग्रीन चिल्ली भी ले सकते हो, लेकिन बस ध्यान ये रखना है थोड़ी सी मैच्योर होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर बीज बने हुए होने चाहिए। और उसको बीच में से कट करके इस तरीके से इसके बीजों को हमें अपनी पोटिंग सॉइल के अंदर डायरेक्ट निकाल देना है। अगर बहुत ज़्यादा तीखी है तो उसके से पहले आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं ताकि किसी भी तरह की जलन आपके हाथों में ना हो। ये तो हो गए हमारे ग्रीन चिल्ली के सीड, और दूसरा है हमारी जो रेड चिल्ली है, इसको हम बीच में से तोड़ के इसके जो बीज है इनको भी बहुत आसानी से इस तरीके से अपनी पोटिंग सॉइल में स्प्रेड कर सकते हैं। एक ही मिर्च में इतने बीज होते हैं कि हमारी कम से कम 500 सीडलिंग तैयार हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा बीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, मैंने एक ग्रीन चिल्ली के बीज निकाले और एक रेड चिल्ली के, और आप देख सकते हो कितनी संख्या में इसके अंदर बीज आ गए हैं। बस इनको थोड़ा सा ऊपर से हमें हल्का सा एक सॉइल का लेयर इसके ऊपर रखना है ताकि बीज हमारे कवर हो जाएं। यहाँ आप देख रहे हो हल्के हाथों से मैंने हल्की सी सैंड से इसको कवर कर दिया है। बस इतना डालना है कि बीज हमारे उसके अंदर छिप जाएं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मोटा लेयर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिर्ची के बीज बहुत छोटे होते हैं और इनको अगर बहुत नीचे गहराई में दबा देंगे तो फिर इनका जर्मिनेट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये देख सकते हो, ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, लेवल कर दीजिए ताकि पानी डालने में बीज इधर उधर ना उड़े। इतना करने के बाद बस अब इसके ऊपर से हम इसके स्प्रे पंप की सहायता से इसको ऊपर से पानी स्प्रे करना है, और बस ध्यान ये रखना है कि डेली सुबह शाम इसके ऊपर हल्का सा मतलब शावरिंग कर देनी है ताकि बीज हमारे मतलब अच्छे से कवर रहें और सूखे ना मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अगर सूख गई तो बीज हमारे जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सुबह शाम इसके ऊपर हल्की फुल्की शावरिंग इस तरह से करते रहे। दोस्तों, मिर्च के बीज उगाने के बाद हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि मिर्च के जो बीज होते हैं जर्मिनेट होने में, यानी कि इससे सीड को जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लगभग 10 से 12 दिन तक आपको पेशेंस रखना होगा। बार बार इसको हमें बीजों को उलट पुलट करके नहीं देखना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और 10 से 12 दिन के बाद ही आप देखेंगे इसमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। पॉट को फुल सनलाइट में रखें ताकि अच्छे से इसको पूरी तरह से एनर्जी मिलती रहे और बीज हमारे जल्दी जर्मिनेट हो। और पानी का बस ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी और बिल्कुल इसको ड्राई भी नहीं होने देना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा 10 दिन पहले का रिजल्ट है। 10 दिन पहले मैंने बीज लगाए थे और इसी तरह अपने किचन में रखी हुई जो रेड चिली है उनके बीज निकाल कर मैंने लगाए थे, और आप देख सकते हो इनके अंदर से कितने सुंदर सुंदर बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। कुछ तो 2-3 दिन पहले निकल आए थे और कुछ अभी धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे इसके अंदर से अभी और भी सीड निकलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कितने छोटे छोटे बीज इसमें हैं। कई प्लांट के ऊपर से तो अभी बीज का जो कवच है वो भी नहीं हटा है, ये देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल छोटे छोटे बेबी प्लांट इसमें निकल रहे हैं। बस इतना निकलने के बाद थोड़ा और हमें इसकी केयर करनी होगी क्योंकि अब बारी आती है इसके अंदर फंगस के अटैक की। तो वैसे तो हमने एंटी फंगल इसमें डाला है पोटिंग सॉइल में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पानी के अंदर स्प्रे पंप में थोड़ा सा फंगीसाइड इसके अंदर मिलाकर और इसमें जब भी वाटरिंग करें तो उसके अंदर स्प्रे करते रहें ताकि प्लांट में किसी भी तरह की हमारी बीमारी ना लगे।
दोस्तों सीडलिंग में जब हमारे 4 से 5 पत्ते आ जाएंगे, यानी कि लगभग 1 महीने की हो जाएगी, उसके बाद हमें इसे ट्रांसप्लांट करना है। और ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें अपना पोट या जहाँ भी हमें इसको सीडलिंग को ग्रो करना है उसमें मिट्टी को तैयार करके रख ले। और लगभग अगर पोट के अंदर आप उगा रहे हो तो कम से कम 12 इंची का पोट ले और उसके अंदर 1 से 2 प्लांट से ज़्यादा ना लगाएं। और अगर आप किसी ग्रो बेड के अंदर लगा रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम 10-10 इंची का फासला रखें, क्योंकि मिर्च का दोस्तों जब प्लांट हमारे 4 से 5 पत्तों के हो जाए तो इसको ट्रांसप्लांट करना है। अगर आप गमले में लगा रहे हो तो एक कम से कम 10 से 12 इंची के गमले में एक गमले में एक ही पौधा लगाएं, और अगर ग्रो बेड में लगा रहे हो तो कम से कम 10-10 इंची के फासले पे इसको लगाएं, क्योंकि मिर्च का प्लांट बड़ा होने पे थोड़ा फैलता ज़्यादा है और जितने ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा उतनी ज़्यादा वो फ्रूटिंग करेगा। पौधा जब 8 से 10 इंची का हो जाए तो उसकी जो मेन टिप्स होती है ऊपर की उसको तोड़ दे, यानी कि पिंच कर दे। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर साइड से जो साइड ब्रांच ज़्यादा निकलेगी और पौधा हमारा घना होगा और बड़ा होने पर वो एक तरफ गिरेगा भी नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, और ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बिना बीज के किचन में रखी हुई साबुत लाल मिर्च से चिली प्लांट उगाने की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।